नमस्कार, आप देख रहे हैं यूडी न्यूज और मैं हूं पंकज दुबे। चलिए बात करते हैं कानपुर की, जहां लोकसभा चुनाव तो नजदीक है और उससे पहले ही सभी पार्टियों में अब उथल पुथल मची हुई है। बता दें, इसको लेकर सीबीआई ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को नोटिस भेज दिया है। अब इसी के विरोध में कानपुर के सपाइयों ने तकीम खाना चौराहे पर प्रदर्शन करना चाहा, लेकिन पुलिस ने एक एक करके सारे प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को खनन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए शामिल होने के लिए नोटिस भेजा गया था, जिसकी टाइपिंग को लेकर अखिलेश ने उठाए सवाल। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले इस मामले में FIR दर्ज की गई थी, लेकिन 5 साल तक मुझसे कोई जानकारी नहीं मांगी गई। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए सपा नेता ने बताया कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को CBI ने नोटिस भेजा है, तो वहीं लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ही बीजेपी सरकार का जाल है। बीजेपी सरकार के द्वारा जालसाज किया जा रहा है। चुनाव के समय से ही ऐसी ओछी हरकतें जारी कर दी जाती है। सपा नेता ने बताया, कल रात्रि पुलिस लगातार परेशान कर रही है, जबकि इस प्रकरण को लेकर पूरे प्रदेश में सपा के नेतृत्व में जगह जगह प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। देखें रिपोर्ट। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जो CBI का एक लेटर भेजा गया था, हम मानते हैं कि CBI का लेटर भेजा गया। आखिरकार जब चुनाव आता है तब क्यों CBI का लेटर भेजा जाता है? भाई, विपक्ष में हम लोग हैं, पार्टी के महानगर के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं समाजवादी पार्टी के। प्रेजेंट टाइम पे इस समय समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के उत्तर प्रदेश के महासचिव मनोनीत किए गए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था कि आपको यतीम खाने चौराहे पे एक ज्ञापन देना है महामहिम राष्ट्रपति को, लेकिन पुलिस का जो आप जमावड़ा देख रहे हो, मेरे घर से लेके कल रात से लेके परेशान करना, कि मतलब आप जो है केवल ओनली 10 आदमी आएंगे, क्या हम लोग समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के नेता केवल 10 लोग बचे हैं क्या? दो लोग इस मारे आए कि रास्ते में सबको रोक लिया गया, तो चलाए लाठी। हम अकेले इस मारे आ गए कि हम अकेले चले हैं कारवां, अकेले ही चले हैं। ये लाठी तो चलाए मेरे ऊपर, कुछ नहीं डर गए। एक धरना प्रदर्शन चल रहा है कलेक्ट्रेट में, कुछ कार्यकर्ता वहाँ हैं, कुछ लोग लखनऊ में मौजूद हैं। पार्टी की जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है, तो मांग बस यही की है कि हमारे नेता को अगर आपने लेटर भेजा है, अगर आप मेरे नेता को अगर अरेस्ट करते हैं, तो हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। युवा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत ही बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे और इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे।